तो गाइस यहाँ पे अभी मैं क्लीनिंग करने लगी थी और हानिया ने सारे कुशन उठा के नीचे रख दिए। नाउ हानिया विल हेल्प मम्मी एंड पुट ऑल द अपिया एंड वी विल डू क्लीनिंग। वेरी गुड गर्ल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस व्लॉग तो ऑलरेडी हनी ने स्टार्ट कर दिया था आज, तो अभी आप लोग ये सामने जो सोफ़ा देख रहे हैं इस जगह को थोड़ा सा हम मेकओवर करेंगे और थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है इस जगह की। तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय हस्बैंड कि वो आ जाएँ तो फिर ये सोफ़ा यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि लेडीज़ को तो ऐसे काम करने भी नहीं चाहिए और इतना भारी उठा भी नहीं सकते ना हम। तो बस अभी नाश्ते वगैरह से सारा फ्री होके यहाँ पे डीप क्लीनिंग्स चल रही हैं और टेबल पे ये स्प्रे, मैंने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाया हुआ है, उससे ही मैं डीप क्लीन कर देती हूँ सारा डाइनिंग टेबल वाला एरिया भी और शू रैक के ऊपर भी, मतलब जितनी भी शेल्फ्स वगैरह हैं वो सारी मैं इससे क्लीन अप कर लेती हूँ। और वाई आई एम डूइंग दिस डीप क्लीनिंग्स टुडे, वैसे मंथ में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा मैं इस तरह ज़रूर करती हूँ और करनी भी चाहिए, इससे घर काफ़ी साफ भी रहता है। तो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि माय हस्बैंड कॉल्ड, एक काम था जो हम कब से ही करना चाह रहे थे तो वो आज हो गया फाइनली। तो इट वाज गुड डे टुडे, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। और यहाँ पे ये सारा मैंने सेट कर दिया था कॉर्नर डाइनिंग टेबल वाला, साथ में लंबी इस तरफ को कर दिया था, थोड़ी सी सेटिंग जितनी मैं कर सकती थी उतनी कर दी थी, क्योंकि जो मेन काम था वो तो अभी मेरे हस्बैंड ही आके करेंगे, वो आपको अभी आगे वीडियो में पता चल जाएगा। खैर इस तरह के छोटी मोटी चेंजिंग्स हो जाएं लाइफ में, आपकी रूटीन में, आपके घर में, तो आपकी रूटीन भी चेंज हो जाती है, आपका जो है ना स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो इस तरह की जो चेंजिंग्स है वो करते रहना चाहिए। फ़िलहाल तो मैं आ गई थी किचन में क्योंकि टुडे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर वन अनदर यमी रेसिपी, और इसके लिए जो मैं मसाला बना रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। अगर किसी ने इसको ट्राई नहीं किया अभी तक तो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें आपने सिंपल फ्रेश गार्लिक ले लेना है, थोड़ा सा जो है सूखा धनिया और हरी मिर्चें, ये तीन चीज़ें हैं मसाले में जाएंगी और एक्स्ट्रा इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। मैंने एक टोमेटो ले लिया जिसको मैं बाद में चॉप कर लूँगी और एक प्याली जो है ना दही ले ली। ये मैं बना के आ रही हूँ, ये एक्चुअली मैं बना रही हूँ कीमे वाली टिक्कियाँ, मसाले वाली जो होती है ना, ये मेरी मदर की रेसिपी है और मेरी मदर ने अपनी मदर से सीखी हुई है, तो समझ लें कि मेरी नानों की रेसिपी है जो कि आज मैं ट्राई कर रही हूँ और ये सीरियसली हम बहुत शौक से खाते हैं, सभी बचपन में यही खा खा के बड़े हैं। और आज आई थॉट के अपने बच्चों को भी इसका ट्रेस जो है ना इंट्रोड्यूस कराया जाए और हम भी खाएँ। तो इसमें आपने करना ये कि आपने फ्रेश गार्लिक जो है ना फ्रेश लेना है, पेस्ट नहीं लेनी, वरना वो टेस्ट नहीं आता जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो बस यहाँ पे ये तीनों चीज़ें लेके इनको अच्छे से कोट लेना है। तो गाइस द मसाला इज़ रेडी, इसमें सिंपली मैंने अब योगर्ट ऐड कर दिए और इसको एज इट इज़ रख देंगे। कीमे वाली टिक्कियाँ जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं और उसका जो वे आउट है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि उस कीमे में आपने क्या क्या डालना है, तो आप चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका डाल दूंगी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने टोमेटोज भी चॉप कर लिए थे और सीरियसली इसको आधा घंटा लगा था, आधे घंटे से ज़्यादा की रेसिपी नहीं है ये, क्योंकि बीच में मैं काम भी और कर रही थी। तो बस यहाँ पे टोमेटोज भी चॉप हो चुकी हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टिक्कियाँ। और इसमें एक मज़े की चीज़ अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जिसके अंदर ये टिक्कियाँ खुदी खुदी सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप बाजार की टिक्कियाँ खा रहे हैं। इसमें आपने डाल देना है 1 कप वाटर, तो पानी में खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी, आपको फ्राई नहीं करना है इनको, यू जस्ट नीड टू ऐड वाटर। सो गाइस ये देखें इस पॉइंट पे इसमें चम्मच मैं बिल्कुल नहीं चला रही क्योंकि ये टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं, तो बस ये जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम इसमें अपना मसाला बनाएंगे। पानी में जब आप इनको पकाएंगे ना तो उससे टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा, बिल्कुल ऐसे स्टीम वाली लगेंगी, ज़्यादा ऑयल भी नहीं आएगा।
सो गाइस हेयर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मसाला। इसके लिए मैंने टिक्कियाँ बाहर निकाल दी थी क्योंकि वो सुपर सॉफ्ट हो गई थी, और इसमें बेसिक मसाले नमक मिर्चें हल्दी वही हमने ऐड करना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना, और वो जो दही वाला मसाला था वो ऐड कर देना है। और टोमेटो प्यूरी आपने इस पॉइंट पे नहीं डालनी क्योंकि दही अपना भी पानी रिलीज़ करती है ना, तो जब वो भून जाएगी तो एंड में हम टोमेटो प्यूरी ऐड करके इसका अच्छा सा मसाला बना लेंगे। तब मसाला भी रेडी हो जाएगा। और चॉपर जो होते हैं ना आपके, उनको तो जैसे ही आप यूज करें फौरन ही पैरी में भिगो के रखते हैं, अदरवाइज उनमें स्मेल रह जाती है जो भी आप मसाला बनाओ। इसी तरह से ये डोरी डंडा भी, अच्छा एक मजे की बात बताती हूँ कि पंजाबी में इसको चट्टू अट्टा कहते हैं, तो मुझे इस टर्म का बिल्कुल नहीं पता था। आई वॉज टोटली अनअवेयर। मेरी भाभी ने मुझे बताया तो पहले तो हमने बहुत मजाक उड़ाया कि यार ये चिट्टू होता ये क्या होता है। पंजाबी के टर्म से हम लोग बिल्कुल फैमिलियर नहीं होते ना, तो आप लोगों की भी नॉलेज में शायद इजाफा हो जाए। इसको चिट्टू होता भी बोलते हैं दोही डंडे को ना। तो आल्सो डन, अब चेक कर लेते हैं मसाला। सो बस दही वाला मसाला रेडी हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी, और मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए लगा दी कि काफ़ी लोग कुकिंग की वो डिटेल रेसिपी देख के ना बोर हो जाते हैं, तो इसलिए बस ये कॉमन स्टेप्स तो सबको ही पता होते हैं कि कुछ देर के लिए दम दे देना है, जब मसाला अच्छे से भून जाए तो बस उसमें आपने टिक्किया ऐड कर देनी है और आपका जो सालन है वो रेडी है। तो बस यहाँ पे गरम गरम फुलके मैं रेडी करी थी क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके साथ घर की रोटी ज़्यादा मज़े की लग रही होती है। तो हस्बैंड भी मेरे आ चुके थे एंड ही गॉट दिस टीवी, और इसके लिए ही थोड़ी सी सेटिंग्स करनी थी। तो बस ये सारा सेटिंग वेटिंग चल रही है यहाँ पे, और जो बिग न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करनी है वो इंशाल्लाह आप उसके लिए तैयार रहें। एक छोटी सी न्यूज़ ये टीवी वाली तो शेयर कर दी है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बिग न्यूज़ है वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो लोग भी मेरा चैनल स्टार्ट से देख रहे हैं उनके लिए सो मच थैंक यू, और जो न्यू लोग आ रहे हैं उनका भी थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।